पाकिस्तान की तेज तर्रार एंकर को अपने मुल्क के हालात देखकर रोना आने लगा है। पाक एक ओर जहां कोरोना से परेशान है तो दूसरी ओर आर्थिक संकट पाक की जान ले रहा है। पाकिस्तानी एंकर फिजा खान अपने मुल्क की इस हालत का ठीकरा सरकार के मत्थे फोड़ रही हैं। देखिए किस तरह भारत को भला बुरा कहने वाली एंकर अपने मुल्क के हालात पर लाचार नजर आ रही हैं। ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस मुल्क की असास ही कलमा तौहीद है। ये मुल्क एक इस्लामी एटमी रियासत है। होना क्या चाहिए था नाजरीन, होना तो ये चाहिए था कि इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले जितने भी अफराद आए, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, जितने साले ऐसी मिसालें कायम करते जिनका तذکرہ करते वक्त लोग कहते कि हाँ ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जो मोहम्मद के नाम पर हासिल किया गया, जो अली के नाम पर बनाया गया, और यही वो मुल्क है जिसको बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिना था, मोहम्मद अली जिना था। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क को वो हैसियत और अहमियत नहीं मिल सकी, वो इनफरादियत नहीं मिल सकी जो इस मुल्क का हक था, जो मुल्क मोहम्मद के नाम पे बनाया गया, अली के नाम पे बनाया गया, और बनाने वाले जिना जिनके नाम में मोहम्मद भी आता है अली भी आता है, आप कह सकते हैं कि ट्रू फॉलोअर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मौला अली के भी, जिन्होंने पाकिस्तान जैसी नेमत हमें देने में ये तोहफा मिला था हमें, जिनमें इनकी अनथक मेहनत अनथक कोशिशें थी। बीमार थे, बीमारी छुपा ली कि लोगों की जो मेरे साथ साथी हैं उनकी हिम्मत कम ना हो जाए, और यहाँ पर देखें कि बीमारी नहीं भी होती तो कहा जाता है बीमारी है, थोड़ी सी होती तो कहा जाता है बहुत ज़्यादा। ये है मुल्क से मोहब्बत, जो इस मुल्क का हक था, आपको लगता है कि वो हक मिला किसी हुक्मरान ने हमें दिया इनके अलावा? इसमें कसूर जहाँ पर हुक्मरानों के, आपको पता है वहाँ कसूर हमारा भी है, अवाम का है। आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे हुक्मरानों की तरजीहात क्या हैं, क्या हमारी नुमाइंदगी करने वालों को हमारे मसाइल हमारी ज़रूरियात का इल्म है भी? पहले तो होता है ना कि इल्म होना चाहिए फिर कोई हल निकालेंगे, इनको तो इल्म ही नहीं है। ये वो सवाल आते हैं जो मेरे जहन में यकीन जानिए अक्सर गर्दिश करते हैं, आपके जहनों में भी गर्दिश करते होंगे। और खुसूसन हम तो वो उम्मत हैं जिनका मौला अली है, जिनका रसूल रहमतुल आलमीन है, इसके बावजूद हमारा ये हाल क्यों है कि दहाइयाँ गुजर गईं लेकिन ये उम्मत इंसानियत के लिए कुछ करने से कासिर है? इंसानियत तो दूर, हम अपने लिए कुछ करने से कासिर है? हम पूरी दुनिया के लिए क्या कुछ करेंगे, हम अपने मुल्क में कुछ कर ही नहीं पा रहे, इस मुल्क की कौम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आज भी लोग कहते हैं कि कामयाबी क्या है, एक रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, सर ढांपने की जगह मिल जाए। इस मुल्क को बने हुए 70 साल से ज़ायद हो गए, 70 साल, सोचे ज़रा, भला हो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जिन्होंने एटम बम बना दिया, वरना इसके अलावा खुद बताइए हमारी जो दुनिया की तरक्की में हमारी हमारे मुल्क की कोई कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आती है? क्या हमारा मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है? हरगिज़ नहीं आता, आता ही नहीं है। क्या हमारे हुक्मरानों को दुनिया बेहतरीन हुक्मरानों में से एक तसव्वुर करती है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे सेहत के निज़ाम की कहीं तारीफ की जाती है? नहीं। क्या हमारे अदालती निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं? क्या हमारे मुआशरे को आइडियल मुआशरा समझा जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे पुलिस सियासी या सरकारी निज़ाम को कहीं भी अप्रिशिएट किया गया हो? कभी नहीं। क्या हमारे मुल्क का कोई एक ऐसा सूबा, कोई एक ऐसा सूबा है जो दुनिया के साफ सेहतमंद कह लें, अमन पसंद कह लें, ऐसे सूबों में शामिल होता हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब सोचा कि क्यों, नहीं 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 नहीं, हर चीज़ में नहीं, क्यों? इसकी वजह है ना कोई, क्या वजह है इसकी कि हम हमेशा मुश्किलात से दो चार रहे? क्या वजह है कि हमने आँख खोली तो जमहूरियत को ख़तरे में पाया, आँख बंद हुई तो अभी जमहूरियत को ख़तरे में देखते हुए दुनिया से रुखसत हो गए? क्या वजह है कि हमारे मुल्क में एक साथ 3 से 4 तालीमी निज़ाम है? क्या वजह है कि हमारे मुल्क में गरीब के लिए इलाज से बेहतर, अफसोस के साथ कहूँगी, गरीब के लिए इलाज से बेहतर कब्र है? क्या वजह है कि हमारे मुल्क के कानून पर मुतासिरीन की मदद करने से ज़्यादा कातिलों का साथ देने का इल्ज़ाम लगता रहा है? इंतहाई माजरत के साथ कह रही हूँ, ये अफसोस के साथ कह रही हूँ। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब बाहसियत एक कौम हमें तलाश करने, हमारे हुक्मरानों को भी तलाश करने, लेकिन ये तलाश हमने सवाल पूछे, कितनी बार पूछे, पूछने के बाद क्या हमें जवाब मिला, अपने अंदर से क्या जवाब मिला, हम कर क्या रहे हैं,
किस संत में जा रहे हैं, कहाँ हमारी संत कहाँ जा रही है, सोचा कभी आप लोगों ने? अभी हम कहाँ खड़े हैं, हमारे हुक्मरान कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? दुनिया कुरान पर तहकीक कर रही है, दुनिया कुरान पर तहकीक कर रही है, दुनिया हमारे हम कितने खुश नसीब हैं, दुनिया हमारे खुलफाए राशिदीन के तर्ज हुकूमत पर तहकीक कर रही है, दुनिया इस्लामी इकदार इस्लामी कानून की इफादियत पर बहस कर रही है, इन शॉर्ट दुनिया तरक्की कर रही है। और हम क्या कर रहे हैं? वही जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, हमारी नुमाइंदगी करने वाले कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। इस कौम के मसीहाओं की संजीदगी का आलम देखिए, जिस वक्त पूरी आप देख लें कि दुनिया कोरोना की वबा का इलाज ढूंढ रही है, इस वक्त इसी वबा पर होने वाले इजलास में इकदामात और इस्लाहात की बजाय एक दूसरे को गालियां निकाली जा रही है, तमस्कर उड़ाया जा रहा है, तनकीद बराए तनकीद की जा रही है, और इस इजलास से बाहर आने के बाद ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। दुनिया के सामने एक लतीफा बन रहे हैं, पैनिक है, टोटल पैनिक है। लॉकडाउन लगाने के फैसले में भी कोई प्लानिंग नहीं थी, लॉकडाउन खोलने के फैसले में भी कोई प्लानिंग नहीं है, और लाखों करोड़ों लोगों को हुकूमत ने बगैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए कोरोना के अंदर झोंक दिया है। ये बदतरीन जुर्म है कि जो इस हुकूमत की नालायकी ना अहली और इनकी ना तजुर्बेकारी की सजा आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के ये हैं जी। हमारे मुल्क पर 30 साल हुकूमत करने वाले वो अफराद जो आज अपोजिशन में, कोरोना का पहला केस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 26 फरवरी को सामने आया था, ऐसा ही है। इसके बाद से लेकर अब तक ये जो डॉक्टर एहसन इकबाल साहब हैं, इनकी इनफरादी या इज्तमाई खिदमात क्या थी इस मुल्क के अवाम के लिए, कभी ये बताना पसंद करेंगे? इन्होंने क्या तजावीज़ दी हुकूमत को कोरोना से निमटने के लिए? इन्होंने कितना हिस्सा डाला अपना कोरोना रिलीफ फंड में, या इन्होंने कितने करंटीना सेंटर्स बनाए? इन्होंने इस आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए अपने सियासी कारकुनों को कितना मोटिवेट किया, या अपने तौर पर ऐसे कौन से इकदाम किए जिनके बाद ये इतने मुतमईन होकर इतने कॉन्फिडेंस से हुकूमत पर तनकीद करें? अगर इन्होंने ये सब कुछ किया होता जो मैं इनसे पूछ रही हूँ तो फिर तो ये कॉन्फिडेंस बनता था एहसन इकबाल साहब, लेकिन कुछ ना करके इतना कॉन्फिडेंस, ऐसे कॉन्फिडेंस को मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस नहीं ढिटाई है, और ढिटाई का मतलब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से समझते होंगे एहसन इकबाल साहब। और क्या इस वबा में भी अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वही लहजा वही बातें? ये बातें तो एहसन इकबाल साहब पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और आवाम सुन रही है, कौम भी सुन रही है, सारा कुछ सुन रही है ना कौम, और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे आने वाले कई हज़ार साल तक भी एहसन इकबाल साहब के मुंह से यही सुनने को मिलेगा कि इमरान खान नाअहल है, इमरान खान नालायक है, वगैरह 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 वगैरह। खुद एहसन इकबाल साहब की काबिलियत ने इस मुल्क का कितना भला कर दिया आज मैं ये पूछती हूँ। चले भाई आप काबिल हैं, दूसरा नालायक है आपकी नज़र में, तो आपकी काबिलियत से हमें क्या मिला? आ गए हम टॉप ममालिक की लिस्ट में कि हमारी कौम के पास हमारे मुल्क के पास एहसन इकबाल है, इतना ज़हीन इंसान, इस कौम को कितना फ़ायदा दिया आपकी जहानत ने या आपकी अहलियत ने एहसन इकबाल साहब? आज ये बता दें, मैं तो रिज़ल्ट की बात करूँगी, क्या रिज़ल्ट मिला आप लोगों की परफॉर्मेंस से? इस मुल्क के गरीब और मुतवस्सत तबके को कितना सुकून मिला एहसन इकबाल साहब की बातें सुनकर? कितने मसाइल लोगों के हल हो गए इनकी गुफ्तगू सुनकर? और दूसरी बात भाई, हुकूमत अगर आपकी होती आप क्या करते? इसका जवाब दे दें कभी, और मुझे पता है इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। हर फर्द की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर कोई शख्स खुदकुशी करना ही चाह रहा है तो उसे आप कितनी बार बचाओगे? जहाँ आप हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, जो कि आपका जमहूरी हक है, और एक यही जमहूरी हक है जो आपको याद है, बाकी हुकूक जाएं जहन्नुम में चलें, इसी हक को इस्तेमाल करते हुए आपको कम से कम आवाम की गैर जिम्मेदारी तो हुकूमत पर नहीं डालनी चाहिए थी ना एहसन इकबाल साहब? सिंध में अगर लोग निकल रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं, वो अपने और अपने बच्चों और बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, और बाद में उनका अल्लाह ना करे जानी नुकसान होता है, तो ज़िम्मेदार वो भी हैं। सिंध हुकूमत को बुरा भला कहना गलत होगा, क्योंकि कुदरती आफात और आलमी वबा का मुकाबला तो
कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ एहतियात ही की जा सकती है, इतनी कोशिश की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान से। लेकिन बावजूद जब आपके नज़दीक हालात तशवीशनाक हैं, संगीन हैं, फिर भी आप अपना यही अंदाज नहीं भूलते हैं, इसी तरह तनकीद करते हैं, सियासत करना ना भूले। इसके बाद आप सियासत करने का इल्ज़ाम भी इसी हुकूमत पर लगा रहे हैं।